हाँ तो भैया लोग हम फिर आ गई नी। तो बात ये बा कि हमनी के बिहार में सरकारी नौकरी मिलल आ भगवान से भेंट भइल एकदम बराबरी मानल जाए। काहे से कि भगवान के मंदिर तो हर एक 2 किलोमीटर पर 4 गो मिल जाए, लेकिन नौकरी अगर 200 सीट निकल जाओ तो 20 लाख लड़का अपन सर्टिफिकेट निकाल के लेटरिन का डिब्बा में बैठ। अरे मर्दे हंसत काहे बाड़ लोग, जनरल बोगी में नहीं बैठल लोग कहीं। तो असली बात ये बा कि हमहू ये भगवान से भेंट करे का प्रयास में बनी, मतलब सरकारी नौकरी खोजतनी। तो चलिए लोग बतावत तनी कि अगर हमार सरकारी नौकरी हो जाए तो हमारे साथे का हो। दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाए, दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाए, काश सरकारी नौकरी हो जाए। काश सरकारी नौकरी हो जाए। हाँ, सरकारी नौकरी वाला लड़कन के ब्याह ना होला, नीलामी होला, मतलब बोली लागता। कोई 5 लाख दे के दुआर कोरता कि महाराज ब्याह कोली, तो वही जो कोनो 10 लाख देवे पर तैयार बा। हाँ तो अब आगे ये सुनी लो कि अगर हमार सरकारी नौकरी लाग जाए तो हम काम का करती। हो सूट बूट लगा के हम ऑफिस में जाती, आ दिन भ बैठ के राजनीति बतियती। अब तो हनिये बतावो लो कि ऐसा फायदा कौन नौकरी में बा। अभी मेन फायदा तो है बा, एकरा खातिर नौकरी खातिर मरतनी। बिना पैसा के कौनो ना काम करती, भले दिन भर बैठ के आराम करती। आ घर भके लोग घुस के पैसा खाए। माने जितना ज्यादा ऊपरवार बा उतना ज्यादा तहार नौकरी इज्जतदार बा, ना तो बॉस मतलब खत्म। हाँ तो यही से कहतनी कि बिना पैसा के कौन ना काम करती, भले दिन भर बैठ के आराम करती। घर भके लोग घुस के पैसा खाए, काश सरकारी नौकरी हो जाए। काश सरकारी नौकरी हो जाए। तो अब आगे ये सुन लोगन कि अगर हमार सरकारी नौकरी लग जाए तो गांव जवार में का सिचुएशन रहे। हो पूरा गौआ के लोग हमार करी बड़ाई, आई है सुन सुन पटीदार जड़ी जाई। हाँ तो हमनी के गांव जवार में एगो कहावत बा कि मसूरी के दाल आ पटीदार जितने जड़ेला उतने मजा आवे। हमर देखा देखी लोग लइका पढ़ाई, खेत बेच बेच ओकर नौकरी लगाई। तो हो फेर घुस लेके खेत लिखवाइत, तो हो फेर घुस लेके खेत लिखवाइत, काश सरकारी नौकरी हो जाए। काश सरकारी नौकरी हो जाए। तो भैया लोग जौन हमरा बुझाइल हो उतना भाव हम लिखले रहनी हाँ। तो अगर अच्छा लागल हो के तो एकरा के लाइक करी लोगन, शेयर करी लोगन, और ये हमारे चैनल है, हमारे वीडियो देखे खातिर ये चैनल के सब्सक्राइब करी लोग।